दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, राज्य पात्रता परीक्षा या राज्य सेवा परीक्षा जो होती है, जिसकी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्री, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, जो कि कौटिल्य एकेडमी के सहयोग से यहाँ पर एमपी परीक्षा के द्वारा तैयार की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीयूआईडी पीएससी 25 स्कोर का आप यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करके आप वहाँ पर पीएससी की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका क्या रहेगा, अगर आपके पास एमपी परीक्षा ऐप है तो आप वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एमपी परीक्षा ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है एमबीबीएससी का, ये 2 महीने के लगभग आने वाला है, 2 महीने के बाद, तो आपको अभी से तैयारी प्रारंभ कर देना होगी, और प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ विशेष जो है पोर्शन, उन पर ज़्यादा ध्यान आपको देना होता है, कुछ विशेष टॉपिक्स पर देना होता है, और ये टेस्ट सीरीज जो है उसी को देखते हुए बनाई गई है, यानी कि उन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं जिनको जो प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर ही ध्यान केंद्रित करके इसको डिज़ाइन किया गया है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये हो सकती है, तो आप लोग जाके वहाँ पर इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर आपको विज्ञान वर्ग 2 का तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको एमपीटीईटी वर्ग 1, 2 और 3 की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एमपीपीएससी के लिए भी अभी करंट अफेयर्स का एक हम लोग कोर्स तैयार करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, जो कि एमपीटीईटी के लिए रहेगा, वो कोर्स भी हम लोग यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर जाके फॉलो कर लें, और इन कोर्स में अभी तक आप एनरोल नहीं किए तो एनरोल जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। 4 परिणाम जारी करने का व्यापम ने कहा है कि जो 4 परिणाम रुके हुए हैं उन चारों परीक्षाओं के परिणाम वो जारी करेगा। इसमें समूह 4, समूह 3, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, नायब तहसीलदार और शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में भी पीईबी का कहना है कि समय पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वो न्यूज़ ये है कि चुनाव परिणाम आते ही व्यापम जारी करेगा 4 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम 4 परीक्षाओं के रिजल्ट आज तक नहीं दे पाया है। रिजल्ट नहीं आने से हजारों आवेदकों की नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। व्यापम ने रिजल्ट जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास फाइल भेज दी है, लेकिन आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं करने की अनुमति दी है, यानी कि अभी उन्होंने अनुमति नहीं दी है रिजल्ट जारी करने के लिए। वहीं व्यापम स्कूलों की शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा कराएगा। व्यापम ने नायब तहसीलदार समूह ग्रुप 4, समूह ग्रुप 3 और जेल प्रहरी की परीक्षाएं करा ली हैं, लेकिन उनके रिजल्ट जारी नहीं हो सका है, और रिजल्ट जारी नहीं होने से आवेदकों में बेसब्री बढ़ रही है। भी रिजल्ट को लेकर बार बार पीईबी की साइट को देख रहे हैं। रिजल्ट जारी नहीं करने से प्रदेश में आचार संहिता जो है लागू है, इसलिए रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्यापम ने आयोग को सूचित किया था, लेकिन आयोग ने कहा है कि अगर आपको इस प्रकार से अनुमति चाहिए आचार संहिता में, तो आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो उन्होंने यही कहा है कि आप लोग जो है इंतजार करिएगा, और इंतजार करने के बाद आप जैसे ही चुनाव परिणाम आता है उसके बाद आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यापम अधिकारियों का ये कहना है कि 11 दिसंबर को मतगणना के परिणाम जारी होते हैं, वैसे ही 12 दिसंबर को परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की व्यवस्था में छूट जाएंगे। 12, 13 या 14 तारीख को रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर परिणामों से कोई फर्क नहीं आएगा। जानकारी के मुताबिक आचार संहिता के लागू होने पर रिजल्ट जारी करने से प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंच सकता है, इसलिए वे 12 दिसंबर के बाद रिजल्ट जारी करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद रिजल्ट जारी होने से किसी भी पार्टी को व्यापम के रिजल्ट से कोई ऐतराज नहीं होगा। 3 परीक्षाएं कतार में है। व्यापम को आचार संहिता खत्म होने के बाद 3 खास परीक्षाएं कराना है। इनमें हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें व्यापम को लाखों की संख्या में आवेदन मिले हुए हैं। व्यापम ने तय समय पर परीक्षाएं कराने की बात कही है। मैप आईटी की जो परीक्षा है उसको निरस्त करके आवेदकों की फीस वापस करने की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। तो ये पीईबी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं, यानी कि परीक्षा समय पर होगी, और 4 जो परीक्षाएं हैं उनके परिणाम भी आपके 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आ जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कीजिएगा, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।